9 और 10 नवंबर को न्यू दिल्ली में ग्रुप ऑफ 20, जिसे G20 भी कहा जाता है, उनकी एक समिट होती है। समिट जब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज की गवर्नमेंट किसी इशू पर बात या अग्रीमेंट करें, उसे समिट कहा जाता है। ये भारत में होने वाली G20 की फर्स्ट समिट थी। बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये G20 समिट एक्चुअल में है क्या? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कुछ कंट्रीज को अपना एक अलग ग्रुप बनाना पड़ा? असल में जी कुछ लोगों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इस ग्रुप का नाम रखा जाता है। जैसे शुरुआत में इस ग्रुप में सिर्फ 6 मेंबर्स थे, तो इसे G6 का नाम दिया गया था। फिर बाद में जब एक्चुअल में ये ग्रुप एक्टिव हुआ, तो इसमें एक और मेंबर ऐड हुआ, जिसके बाद इसका नाम G7 हो गया था। G7 के बारे में हम आपको आगे वीडियो में डिटेल में बताएंगे। ये ग्रुप कुछ कंट्रीज से मिलकर बना था। दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज इसमें एज अ मेंबर इन्वॉल्व हैं। ट्वेंटी कंट्रीज का ये ग्रुप एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जिसमें 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। ग्रुप ऑफ 20 का मेन पर्पस इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस को कंट्रोल करना और इकोनॉमी को और बेहतर बनाना है। इस पिक्चर में आपको कुछ डिफरेंट कलर्स दिख रहे होंगे। ये कलर्स G20 को सबसे बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें रेड कलर G20 के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्पल कलर उन कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यूरोपियन यूनियन के अंडर हैं और ग्रुप ऑफ 20 में शामिल हैं। ग्रीन कलर उन कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी G20 में मेंबरशिप अफ्रीकन यूनियन के थ्रू है, और येलो कलर उन कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो परमानेंटली इन्वाइटेड हैं, जैसे कि स्पेन। इस ग्रुप यानी G20 में वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज की फाइनेंस मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। यह ग्रुप 1999 में सेवरल इकोनॉमिक क्राइसिस के रिस्पॉन्स में ऐसे इंसिडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। 2008 से लेकर अब तक इस ग्रुप की हर ईयर एक समिट होती है। स्टार्ट में इस ग्रुप में मेंबर कंट्रीज की तरफ से सिर्फ उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स ही इन्वॉल्व होते थे, बट बाद में कंट्री हेड्स ने भी समिट्स ज्वाइन करना शुरू कर दिया। 2009 में G20 की एक समिट हुई, जिसमें इस ग्रुप ने खुद को एक प्राइमरी वेन्यू डिक्लेयर किया फॉर एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन, जिसके बाद इस ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाने लगा। जहां इस ग्रुप को काफी बेस्ट समझा गया, वहीं इसको काफी क्रिटिसाइज्ड भी किया गया था। जिन बातों को लेकर G20 को क्रिटिसाइज्ड किया जाता था, उनमें से कुछ ये थे: लिमिटेड मेंबरशिप, लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर, अलेज्ड अंडरमाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 18th G20 समिट में एक अहम अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि अब से अफ्रीकन यूनियन भी G20 में एज अ मेंबर इंक्लूड होगी। इस तरह अब ये ग्रुप G20 के बजाय G21 के नाम से जाना जाएगा। ये ग्रुप एक तरह से उन ऑर्गेनाइजेशंस की ही एक सीरीज मानी जाती है जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया भर में अमन और इंटरनेशनल रिलेशंस को बेटर और एक्सपैंड करने के लिए बनाए गए थे, जिनमें वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इदारे भी शामिल हैं। 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना यह ग्रुप 1999 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करने और उनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए बनाया गया था। इस ग्रुप की हर ईयर सिर्फ एक समिट होती है, बट 2008 के बाद यह समिट साल में दो बार होने लगी। 2009 एंड 2010 में G20 की दो समिट्स कंडक्ट की गई थी। 2009 में होने वाली समिट्स लंदन एंड पिट्सबर्ग में हुई थी, और 2010 में टोरंटो और सोल में। 2011 में इस समिट को फ्रांस ने होस्ट किया, और इस वक्त से यह समिट साल में सिर्फ एक बार होने लगी। 2016 की समिट चाइना में की गई, 2017 की जर्मनी और 2018 की अर्जेंटीना की तरफ से होस्ट की गई थी। 2019 में ये समिट जापान में कंडक्ट की गई थी। 2020 की समिट सऊदी अरब में स्केड्यूल की गई थी, बट ड्यू टू कोविड यह समिट वर्चुअली की गई थी। 2021 की G20 समिट इटली में और 2022 की
समिट इंडोनेशिया के शहर बाली में होस्ट की गई और इस ईयर यानी 2023 में G20 समिट को इंडिया की तरफ से होस्ट किया जा रहा है और इसी समिट में यह ग्रुप एक्सपैंड होकर G21 बन गया। इस समिट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह किसी की भी तरफ से परमानेंटली ऑपरेट नहीं की जाती है। हर ईयर इस ग्रुप की चेयर रोटेट होती है और हर मेंबर कंट्री को ऑपरेट करने का चांस दिया जाता है। नेक्स्ट ईयर ये समिट ब्राजील की तरफ से होस्ट की जाएगी और इस ईयर ब्राजील के पास G20 की चेयर होगी। इस ईयर के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग G21 के मेंबर कंट्रीज में ये लिस्ट शामिल है जो आपको इस पिक्चर में नजर आ रही है। गेस्ट इनवाइटीज में स्पेन, द यूनाइटेड नेशंस, द वर्ल्ड बैंक एंड ASEAN शामिल हैं, जिससे आसियान भी कहा जाता है। आसियान की एब्रीविएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज शामिल हैं। इनका काम इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कल्चरल टाइज को अपने मेंबर्स के बीच इम्प्रूव करना है। इस G21 ग्रुप का एजेंडा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ सॉवरेन डेट पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। 2008 की समिट में इस ग्रुप के लीडर्स ने प्रॉमिस किया कि वो ट्रिलियंस कंट्रीब्यूट करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में। इन ऑर्गेनाइजेशंस में वर्ल्ड बैंक, IMF भी इंक्लूड थे। मेन फोकस ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करना और रीएस्टैब्लिश करना था। मार्च 2022 में रशिया के यूक्रेन पर किए गए इन्वेड के नतीजे में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रशिया को G20 ग्रुप से रिमूव करने के लिए कहा और इसके ऑल्टरनेट में बाइडेन ने यह सजेस्ट किया कि यूक्रेन को G20 की 2022 की समिट अटेंड करने की परमिशन दी जानी चाहिए। बाइडेन की बात को लेकर डिफरेंट ग्रुप्स ने डिफरेंट ओपिनियंस दिए थे, बट यहां एक बात क्लियर हो गई कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया के बीच हमेशा इसी तरह से प्रॉब्लम्स चलती ही रहेंगी।